बाड़मेर जिले के धूरीमन्ना में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। समदड़ी कस्बे में अब आसपास के ग्रामीण इलाकों के ग्रामीणों को किराने का सामान लेने के लिए बाजार नहीं आना पड़ेगा। प्रशासन ने क्षेत्र को 5 जोन में बांट दिया है, जिसमें 11 टैक्सियों के जरिए होलसेल व्यापारियों से प्रत्येक गाँव तक किराना का सामान पहुँचाया जाएगा। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सा क्षेत्र में भी प्रशासन पूरी तरह से कमर कस ली है। समदड़ी कस्बे के आसपास के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को किराने का सामान लेने के लिए बाजार नहीं आना पड़ेगा। प्रशासन ने क्षेत्र में 5 जोन में बांट दिया है, जिसमें 11 टैक्सियों के जरिए होलसेल व्यापारियों से प्रत्येक गाँव का किराना का सामान ग्रामीणों के घर तक पहुँचाया जाएगा। वहीं दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर प्रत्येक खाद्य सामग्री का नाम और उसकी रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सके। अधिकारियों ने समदड़ी कस्बे के सभी किराना व्यापारियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया। दुकानदारों को अलग अलग जोन के माध्यम से गांव में ग्रामीणों की जरूरत के हिसाब से टैक्सियों के माध्यम से किराने का सामान सप्लाई किया जाएगा। सर, वो जो हमारे रेड लिस्ट लगी हुई है, वो एसोसिएशन की तरफ से बनाई गई है, और एसोसिएशन की तरफ से हम माल देने के लिए वो रेड लिस्ट से ही हम माल देते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, और एक एक ग्राहक को हम माल दे रहे हैं। और हमारे टाइम जो एसोसिएशन की तरफ से फिक्स की गई है, 10 बजे से 2 बजे तक। श्रीमान एसडीओ साहब के निर्देश अनुसार व्यापार मंडल की मीटिंग बुलाई गई थी। व्यापार मंडल की मीटिंग बुलाने के बाद में हमने समुद्री को पूरे 5 जोन में बांटा है, और प्रत्येक जोन में 2 टैक्सी दे दी है। कुल 11 टैक्सी को परमिशन दी है, 1 टैक्सी समुद्र के लिए रिजर्व है, और प्रत्येक जोन में 2-2 टैक्सी दी हुई है। अपना व्यापारी अपना माल बुक करा लेते हैं, व्यापारियों से वो लोग अपना माल बुक करा देते हैं, और टैक्सी वाला उनको होम डिलीवरी कर देता है। होम डिलीवरी की सुविधा हमने लगभग 1 सप्ताह पहले कर ली है। अधिकारियों की माने तो कस्बे के बाजारों में ज्यादा भीड़ न हो और आसपास के गांव में ग्रामीण घरों में ही रहे, इसलिए व्यवस्था शुरू की गई है। व्यवस्था को लेकर व्यापारी भी एकमत है, और टैक्सियों के माध्यम से गांव में किराने की सप्लाई शुरू कर दी गई है। साथ ही क्षेत्र के आसपास के सभी ग्रामीण इलाकों में तहसील प्रशासन द्वारा समय समय पर मॉनिटरिंग करते हुए खाद्य सामग्री की दुकानों पर नजर रखी गई, जिससे इस सुविधा के चलते लोगों को समय पर खाद्य सामग्री भी मिल जाए और लॉकडाउन पालना भी हो। वहीं क्षेत्र में 3 संदिग्ध मिलने के बाद प्रशासन कोई चूक नहीं रखना चाहता, रिपोर्ट आने से पहले ही तैयारियों में लग गया है।